दोस्तों, किसी भी गाड़ी की बेस मॉडल सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता है आपके लिए। कंपनी इस मॉडल में मुनाफा कम कमाती है, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा किफायती मॉडल अगर कोई होता है तो वो बेस मॉडल सी है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन मार्केट में दो नई नवेली अपडेटेड सब 4 मीटर SUVs के बेस मॉडल को कंपेयर करेंगे। एक तरफ होगा हुंडई वेन्यू का बेस मॉडल ई, तो दूसरी तरफ होगा मारुति ब्रेजा की बेस मॉडल LXi। दोनों के बीच हम लोग कंपैरिजन करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी साबित होती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। डायमेंशंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का लेंथ आपको इक्वल मिलने वाला है। विड्थ की बात करें तो 20 mm विड्थ आपको कम मिलेगा वेन्यू में, हाइट आपको 68 mm कम मिलेगा, व्हील बेस आपको इक्वल मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस आपको 5 mm कम मिलेगा, बूट पे आपको 22 लीटर ज्यादा मिलेगी वेन्यू में। टायर साइज की बात करें तो 1 इंच छोटी टायर आपको वेन्यू में मिलेगी। प्रोफाइल की बात करें तो वेन्यू में मिलता है आपको 195, 65 और 15 इंचेस की टायर, जबकि ब्रेजा में मिलता है आपको 215, 60 और 16 इंचेस की टायर। दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टील रिम्स ऑफर करे जाते हैं। अब डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो, ब्रेजा में आपको विड्थ ज्यादा मिलता है, हाइट ज्यादा मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलता है, टायर साइज आपको ज्यादा मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ब्रेजा के अंदर बहुत ही बढ़िया केबिन स्पेस मिलने वाली है, चढ़ना उतरना और भी ज्यादा इजी रहेगी वेन्यू के मुकाबले में। थोड़ी ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ब्रेजा में मिल जाती है। हाँ, 5 mm का बढ़ती ग्राउंड क्लियरेंस कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं करवाता, लेकिन 5 mm ज्यादा मिल जाती है, तो ये तो एक डिफरेंस है। बूट पेस की बात करें तो थोड़ी छोटी बूट आपको ब्रेजा में मिलती है वेन्यू के मुकाबले में। तो ओवरऑल डायमेंशंस को अगर कंपेयर करें तो ब्रेजा आगे निकल जाती है वेन्यू के मुकाबले में, जबकि वेन्यू के अंदर आपको पेस मैनेजमेंट पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा मिलती जरूर है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आपको लगभग वैसा ही पेस अभी भी मिलती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने में नहीं मिलता। सिर्फ एक ही फर्क आपको वेन्यू और ब्रेजा में मिलती है, और वो ये है, आपको वेन्यू में बूट पेस ज्यादा मिलती है ब्रेजा के मुकाबले में। इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो वेन्यू का बेस मॉडल जो है, इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो बेस मॉडल में आपको जो इंजन मिलता है वो है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन। ये इंजन आपको हुंडई ग्रैंड आई10 नियोस और हुंडई आई20 दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने में मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे देती है। लेकिन अगर बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में ये इंजन जेनरेट करती है 82 bhp की पावर और 114 nm का टॉर्क। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आपको मिलता है 17.5 kmpl क्लेम्ड माइलेज के साथ। तो इस इंजन की परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील करवाती है ये इंजन, क्योंकि हैचबैक वाली इंजन आपको 4 मीटर SUV में मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपको अंडर पावर फील करवाती है। माइलेज की बात करें तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा माइलेज इस इंजन से मिलता नहीं है। आप लोग मान के चलो सिटी में आपको 12 से 13 kmpl और अगर आप लोग हाईवे ड्राइव करोगे तो मैक्सिमम आपको 14 से 15 kmpl का ही माइलेज ये इंजन आपको निकल कर दे पाएगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाली। इसके उलट ब्रेजा में आपको मिलता है बड़ी वाली 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल VVT माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 102 bhp और 137 nm टॉर्क पैदा करता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 20.15 kmpl माइलेज के साथ। तो इस इंजन को अगर वेन्यू के साथ कंपेयर करें तो आप लोग इजीली देख ही सकते हो, ब्रेजा में आपको बड़ी इंजन मिलती है, ज़्यादा पावर टॉर्क फिगर्स मिल जाती है, मतलब इसको चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा वेन्यू के मुकाबले में। माइलेज भी आपको इसमें ज़्यादा क्लेम करी जाती है। प्रैक्टिकल रेंज की बात करें तो आपको लगभग सिटी में 13 से 14 kmpl का माइलेज ब्रेजा निकल देगी। अगर हाईवे ड्राइव करते हो तो आपको 18-19 या फिर 20 kmpl के आसपास ब्रेजा का इंजन माइलेज निकल देगी। तो परफॉर्मेंस वाइज, माइलेज वाइज ब्रेजा के इंजन आगे निकल जाती है, लेकिन दोनों ही गाड़ियों का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो आपके मन चाहे मुताबिक। कॉम्फर्ट फीचर्स की बात करें तो वेन्यू में आपको बेस मॉडल में मिलता है हैलोजन हेडलैम्प्स, फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर, पावर स्टीयरिंग और टिल्ट स्टीयरिंग। बेस मॉडल है इसलिए आपको इतने ही फीचर मिलेंगे, जबकि ब्रेजा में आपको मिलता है हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर, पावर स्टीयरिंग, रियर AC वेंट्स,
टिल्ट स्टीयरिंग, पावर एडजस्टेबल वार फ्रेम, एलईडी टेल लैंप, टर्न इंटीग्रेटेड ऑन वार फ्रेम्स और रिमोट कीलेस एंट्री। तो कॉम्पोर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो बेस मॉडल होते हुए भी ब्रेजा का जो LXI मॉडल है इसमें कंपनी ने बहुत सारे फीचर दिए हैं, तो आपको अलग से आफ्टर मार्केट से लगवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ म्यूजिक सिस्टम की कमी आपको ब्रेजा के बेस मॉडल में मिलती है, वो अगर आप कंपनी फीटर लगवाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, आफ्टर मार्केट से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा आप लोग कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम लगवा लो और तेल डालो और कार को चलाओ, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कॉम्फर्ट फीचर वाइज ब्रेजा आगे निकल जाती है। सेफ्टी फीचर की बात करें तो वेन्यू में आपको मिलता है डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विथ लोड लिमिटर, सीट बेल्ट वार्निंग, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर और हाई स्पीड अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर। वेन्यू का कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहा। जबकि ब्रेजा में मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स, सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विथ लोड लिमिटर, ABS विथ EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, हिल असिस्ट, हाई स्पीड अलर्ट और 4-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग फ्रॉम ग्लोबल इनकैप। तो सेफ्टी फीचर को अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख ही सकते हो ब्रेजा में सेफ्टी फीचर आपको थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं बेस मॉडल होते हुए भी, और इसका क्रैश टेस्ट भी मौजूद है 4-स्टार रेटिंग वाली। तो अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो वो आपको ब्रेजा में बेहतर मिलती है वेन्यू के मुकाबले में। प्राइसिंग की बात करें तो वेन्यू की जो बेस मॉडल है ई, इसकी एक शोरूम कॉस्ट है 7.53 लाख रुपये। अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी पड़ेगी आपको 8.46 लाख रुपये ऑन रोड, जबकि ब्रेजा बेस मॉडल LXI की एक शोरूम कॉस्ट है 7.99 लाख रुपये, ऑन रोड जाकर पड़ेगी आपको ये गाड़ी 8.99 लाख रुपये। तो एक शोरूम प्राइसेस को अगर कंपेयर करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 46,000 रुपये का डिफरेंस देखने में मिलेगा। तो 46,000 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो ब्रेजा में तो आपको सेफ्टी बेहतर मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्टिव सेफ्टी फीचर मिल जाते हैं, क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलता है, आपको ज़्यादा कॉम्फर्ट फीचर मिल जाता है, इंजन का पावर ज़्यादा मिलता है, माइलेज ज़्यादा मिलता है, रिलायबल इंजन मिलता है, मारुति का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क मिलता है, बढ़िया रीसेल वैल्यू मिलती है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको सिर्फ 46,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर देने के बाद ब्रेजा में मिल जाती है। तो इसीलिए ब्रेजा इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।